थलवारा बाजार कैमोर के मुख्य हृदय स्थल को जाम कर आक्रोशित कांग्रेस के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। लोकसभा में राहुल गांधी की संसद में सदस्यता वापस करने को लेकर कांग्रेस जन जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस जनों ने समस्त विजय राघवगढ़ विधानसभा के प्रत्येक गाँव में जाकर नारेबाजी करते हुए विरोध जताया है। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान हृदय स्थल कैमोर में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए कांग्रेस जनों के साथ अनुविभागीय अधिकारी महेश मंडलोई, अनुविभागीय अधिकारी अमराव सिंह, विजय राघवगढ़ थाना प्रभारी विजय सिंह, कैमोर थाना प्रभारी सुदेश कुमार समन सहित संयुक्त दल बल की मौजूदगी में नजर आई। इस दौरान कांग्रेस नेता राजेंद्र सिंह एवं पितरेश पांडे ने संबंधित विषय में जानकारी देते हुए बताया कि यदि लोकसभा स्पीकर एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने निर्णय में पुनर्विचार करते हुए इस फैसले को वापस नहीं लेंगे तो इस देश के समस्त कांग्रेसी जन विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरेंगे। हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी के खिलाफ जो दोषपूर्ण निर्णय लिया गया है उसके विरोध में हम सब विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी उस निर्णय का विरोध करते हैं और इस विरोध के माध्यम से हम लोकसभा स्पीकर महोदय को एवं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को संदेश देना चाहते हैं उस निर्णय को वापस करवाया जाए और हमारे वायनाड के सांसद आदरणीय राहुल गांधी जी की लोकसभा की सदस्यता वापस दिलाई जाए। SDM को ज्ञापन भी सौंपा गया, जानकारी आ रही है। दिए हैं जी बिजराहोगढ़ में, बरही में, हम सब समस्त कांग्रेस। बिजराहोगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कितने गांवों में जाकर के आज आपकी टीम ने विरोध प्रदर्शन किए हुए? करीब बरही, बिजराहोगढ़, कैमूर में आज ये विरोध प्रदर्शन किया गया है और पूरे विधानसभा क्षेत्र से कार्यकर्ता हमारे एकत्रित। जी, शुभ नाम बताइए। राजेंद्र सोनी। कैसा प्रतीत हो रहा आज आप सभी लोगों का, कांग्रेसियों को जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, कहाँ तक सफलता मिलेगी? हमारी सफलता नहीं है तो देश की सफलता है। संविधान का गला दबा के अगर जो काम किया जा रहा है तो हम कांग्रेस अपनी सफलता नहीं मांग रहे हैं। जी जी, हम तो इसको भविष्य में ये लोगों को ही बताना चाह रहे हैं कि जो आज हमारे साथ हो रहा है, हमारे नेता के साथ हो रहा है, वो कल आपको आपके साथ भी हो सकता है। संविधान से देश चलता है, ना कि पार्टी से देश चलता है। पार्टी संविधान के अंदर है और संविधान में स्वतंत्रता का और सबका अधिकार है, बोलने का अधिकार है और इस देश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक को बोलने की आज़ादी है, अपनी अभिव्यक्ति रखने की आज़ादी है। और जिस देश में आप बोल ही नहीं पा रहे हैं, बिना आपके बोलने के अनुसार आपको उठा के जेल में डाल दिया जा रहा है या आपकी संस्था खत्म की जा रही है, तो अपने आप में दमनकारी नीति है। इसमें हमारी नहीं, तो हम तो देश के लिए, सभी लोगों के लिए लड़ रहे हैं, हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। जी जी जी, इनका प्रतिफल यदि आपका सकारात्मक नहीं होता उसके बावजूद अपन क्या किस उग्र आंदोलन की तरफ जाएंगे या क्या कदम उठाएंगे? व्यवस्था जो है वो तो चल रही है, बाकी हमारा जो विरोध प्रदर्शन है अपने नेता को लेके, उनके सदस्यता को लेके, वो हमारा पुरजोर जारी रहेगा और निर्बाध रूप से अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो हम सभी लोग आगे उग्र आंदोलन के लिए बिल्कुल प्रयासरत रहेंगे और ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक हमारे नेता को और हमारी पार्टी को न्याय नहीं। कटनी से प्रवीण कुमार पाराशर की रिपोर्ट।